तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 66 तक डिस्कस कर लिया था, बीच में डिस्कनेक्शन आ गया था, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 67 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 67 क्वेश्चन में पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज मैन मेड। तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमें पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होती हैं ये क्या है, मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट इज लीस्ट एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए सीधी सी बात है, जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, वो एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, वो रिफ्लेक्ट किया होगा। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे कि हमें जो कलर दिख रहा है इसका मतलब वो कलर वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिख रहा है, इसका मतलब वही जो है वो कलर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसका मतलब जो दिख रहा है वो तो कम से कम एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो एब्जॉर्ब तो हुआ नहीं है, इसी वजह से वो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 का सी वाला, मीन्स ग्रीन कलर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म मेड अप ऑफ द फ्लिंट ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए किसका ज़्यादा होता है, तो ये आप लोगों को, अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है अगर कलर्स के बारे में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तभी ये क्वेश्चन हो पाता। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, हायर होता है फॉर द वायलेट लाइट देन फॉर द रेड लाइट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए से क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ हीटेड। तो हमें पता है जब भी मैग्नेट को हम लोग हीट करते हैं तो मैग्नेटिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, तो हमें पता है क्या होते हैं, जितने ऐसे क्या होते हैं रैंडमली जो होते हैं इनके डाइपोल्स जो होते हैं अलाइंड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि मैग्नेटिज्म बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो रैंडमनेस फिर क्या होती है, इंक्रीज़ करने लगती है, क्योंकि ये फिर एट रैंडम मोशन में अलाइन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट जो इनका होता है प्रॉपर नहीं रहता, फिर डिक्रीज़ करना शुरू करता है। तो इनिशियली क्या होगा, ये हीट करेगा, प्रॉपर कंडीशन भी नहीं दी गई थी, इसका मतलब ये इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए इसमें तो एलिमिनेट करना आसान था आयरन को, ठीक है, सॉइल को एलिमिनेट करना आसान था, अब बस ये सॉइल हो गया। अब देखिए मिल्क और एसीटोन में कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अब देखो मिल्क होता है कि एसीटोन होता है, तो एसीटोन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक मिल्क होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि मिल्क किससे बना है, वाटर से, तो हमें अगर पता है कि वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है लगभग 1.0 रहती है, ठीक है, अब मिल्क में क्या होता है, कुछ मिक्सर जब इसमें ऐड होता है तो तुम्हारा मिल्क बन जाता है वाटर में, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी किसी चीज़ के एडिशन की वजह से, लेकिन एसीटोन जो होता है उसकी डेंसिटी जो सबसे कम रहती है, ठीक है, 0.68 रहती है। तो यहाँ से जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा 72 का, वो बी वाला हो जाएगा। देखिए 73 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर विल नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखिए हमें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो लाइट डिजोल्व लाइक के अकॉर्डिंग देखें जो पोलर होते हैं पोलर में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में, लेकिन ऑयल क्या है हमारा, ठीक है, नॉन पोलर है, लेकिन वाटर क्या है, पोलर। इसका मतलब क्या है, ऑयल जो है कम्प्लीटली वाटर में तो डिजोल्व होता नहीं है, ठीक है, जब हीट किया जाए तब जाके ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन पाता है। इसका मतलब क्या है, बाक़ी देखिए सल्फर था इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अल्कोहल था वाटर में, क्योंकि अल्कोहल में हमें पता है ओएच ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये तुम्हारा आसानी से जो है ईजिली डिजोल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा। शुगर इन वाटर तो सबको पता है नॉर्मली करते हैं, तो बचा था हमारा ऑयल इन वाटर, तो 73 का करेक्ट ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। अब देखिए 74 क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि उसके कंपोजिशन में, ठीक है, उसके केमिकली कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी रिएक्शंस नहीं होना चाहिए, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स से जो फ्लावर निकलते हैं वो तो बेसिकली केमिकली चेंजेस होगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उस वो भी केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। अब देखिए एक कुकिंग ऑफ फूड, फूड में भी जब मिक्स होते हैं केमिकली चेंजेस हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस, अब देखिए जब आइस को मेल्ट करते हैं तो हमें पता है जब मेल्ट करते हैं तब भी वो वाटर है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आता है तब भी, ठीक है, आइस फॉर्म में भी H2O था और मेल्टेड होकर जो H2O फिर बना है तब भी वो क्या है, मेल्टेड फॉर्म में भी वो H2O ही है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें केमिकली कोई चेंजेस नहीं आता, ये हमारा फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इसका केमिकल फार्मूला सेम रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हम लोग 6 स्लाइड पे जाते हैं, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक तो हमें पता है, देखिए यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, हीलियम एसी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है,
नियॉन सारी तो जो है इनर्ट गैसेस दी हुई हैं। तो इनर्ट गैसेस हमेशा हम जानते हैं कि ये क्या सिंगल एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं क्योंकि ये अपने आप में ही इनर्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो होती है हमें पता है S2 फॉर्म में पाई जाती है, इसका मतलब यही जो था वो मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। अब देखिए 76 क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स द सिंगुलर वैलेंसी। सिंगुलर वैलेंसी का मतलब जो हमेशा केवल एक ही बांड बनाए, ठीक है, जिसकी वैलेंसी क्या हो, केवल एक हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हो या तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हो, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर वैलेंसी। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए सल्फर, तो हमें पता है कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है कभी कभी, ठीक है, और फास्फोरस ये भी पता है हमें PCl3 वगैरह बनाता है। सल्फर के तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल पता है, SO2SO3 वगैरह बनाता है। अब देखिए सोडियम, सोडियम को देख सकते हैं Na होता है, हमेशा NaCl टाइप का बनाता है। या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो Na का हमें पता है 1s2 2s2 2p 6 3s 2 2 4 6 10 3s1। अब देखिए केवल बाह्य कोश में इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आसानी से निकल देगा, इजिली निकल जाएगा। तो अंदर का तुम्हारा क्या बचेगा, 2 कामाइड जो कि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेबल फॉर्म है, केवल सिंगल वैलेंसी ही शो करेगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एम शेल। अब देखिए एम शेल को हम लोग पता कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो वैलेंस, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके बाहर क्या होती हैं, ये शेल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पहले को हम लोग के बोलते हैं, सेकंड को एल बोलते हैं, थर्ड को एम बोलते हैं, अगले को एन बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास जनरल फार्मूला होता है किससे, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में निकालना है, तो 2n2। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमें पता है के लिए 1 होता है, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है। बस यहाँ पे पुट कर दो, 2 × n का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 2 = 18। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी वाला था इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 78 पे आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अ सील्ड कंटेनर कंटेन्स 1 मोल ऑफ द हीलियम, 3 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द टोटल प्रेशर इज 80,000 पास्कल है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन गैस, तो N2 का पूछ रहा था। तो हमें पता है किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, PX = होता है मोल फ्रैक्शन into टोटल प्रेशर, ठीक है। ये कहाँ से हम लोग कर सकते थे, तो सिंपली हेनरी ला था, ठीक है, हेनरी ला था पार्शियल प्रेशर। तो बस यहाँ पे केवल वैल्यूज रखना था। देखिए P का मान, देखिए टोटल प्रेशर दिया था, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका कह रहा है देखिए उसके मॉलिक्यूल्स किसके, नाइट्रोजन के निकालना है, तो नाइट्रोजन के कितने, 3 हैं, ठीक है, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 1 हीलियम का है, 3 नाइट्रोजन के, तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा, टोटल कितना प्रेशर दिया है, 80,000, ठीक है। तो 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, 60,000 में 78 का सी वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिगार्ड 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्ड इज नॉट करेक्ट। सबसे पहला देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से बोल रहा था, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 24 कैरेट गोल्ड इज सॉफ्ट, हाँ ये जो होता है प्योरेस्ट होता है, सॉफ्टेस्ट भी होता है। उसके बाद सेकंड बी क्या कह रहा था, 22 कैरेट गोल्ड इज जनरली यूज टू मेक द ऑर्नामेंट्स, तो मतलब जितने भी पहनने वाले उपकरण बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो सब के सब 22 कैरेट गोल्ड से बनाए जाते हैं, प्योर से नहीं बनाए जाते हैं। उसमें होता क्या है, कॉपर डाल दिया जाता है, ठीक है, और ये तुम्हारा टिन वगैरह या तो निकल वगैरह ये ऐड कर दिया जाता है, जिसके क्या होता है वो 22 में आ जाता है। अब देखिए इससे जो ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, बी भी सही है। सी वाला क्या कह रहा था, 22 कैरेट गोल्ड कंटेंस 22 पार्ट्स ऑफ द प्योर गोल्ड, इतना तो सही है, एंड 2 पार्ट्स ऑफ द आयरन, तो इसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है, टू मेक इट हार्ड, ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी ये वाला भी सही है, 75% गोल्ड होता है, 25% जो था कॉपर होता है, सिल्वर होता है, ये इसको हार्ड बनाने के लिए, ये भी सही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि मैच द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो देखिए किस लिए ये यूज़ किया जाता है। चलिए ऑप्शंस को हम लोग देखिए, ब्लीचिंग पाउडर हम जानते हैं कि जो वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज होती है, उसको दूर करने के लिए, दैट इज़ द डिसइंफेक्शन ऑफ दिस, डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहला जो है ए का हमारा हो गया, डी वाला, ए का डी। अब उसके बाद देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, मतलब जो है खाने वाला सोडा, तो वो जो होता है
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, और उसके बाद क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आते हैं। आप देखिए डी वाला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जिससे जो हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, इससे हम लोग खिलौने भी बनाते हैं। तो डी का हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। ई का था फोर्थ वाला, डी का था सेकेंड वाला। तो अब इसको चलिए हम लोग मैच करते हैं। पहले देखिए, चलिए देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ए का फोर्थ और डी का पहला कौन सा है। देखिए ए का फोर्थ डी में भी है, ए का फोर्थ डी में भी, बाकी दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या है डी का दूसरा, अब देखिए डी का दूसरा, देखिए दोनों में भी डी का दूसरा है। अब देखिए हम लोग आते हैं बी का भी हो गया, सी पे आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वाशिंग सोडा, जो वाशिंग सोडा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, जिससे होता क्या है कि साबुन वगैरह के साथ ये झाग नहीं, फॉग नहीं देता है, तो इसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा हो जाएगा सी का फर्स्ट वाला, बस यही करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट आर द मेजर रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो रॉ मटेरियल पूछ रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल में हमें पता होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल होता है उसमें हम लोग क्या लाइम स्टोन्स होते हैं, क्ले होते हैं, इनको यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 81 का ए वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स होते हैं, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मतलब इक्वल वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि के है, ओ टू है, ये रिएक्शन करके बनाया के ओ टू बनाया प्लस के टू ओ टू भी बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ये बना। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट आर नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फेल कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है अभी तक गलत समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्ड, तो बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट, मतलब हर एक एलिमेंट का कंपोजिशन जो है वेट जो होता है चाहे जहाँ पे देखें वो वही रहता है। तो ये भी सही था, ये सही था, ये था सही था, ये सही था, तो गलत ऑप्शन हमारा बी वाला मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था, द नंबर ऑफ दी मोल्स ऑफ द कार्बन इन अ सैंपल। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा था। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमें कार्बन, ठीक है, मोल्स निकालना। तो हमें पता है मोल्स बराबर होता है वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए वेट कितना दिया था, 72 ग्राम है। हमें पता है कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 होता है, ठीक है। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72। बस इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले। चलिए कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द लाइटेस्ट। अब देखिए लाइटेस्ट गैस पूछ रहा था, तो हमें पता है कि सबसे लाइटेस्ट जो गैस होती है वो हीलियम ना होकर हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। कि हाइड्रोजन ही गैस क्या हो रही है, सन में जो बर्न होकर हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है, जितनी भी हाइड्रोजन गैस होती है उड़ती 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 वो सबसे ऊपरी फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 84 का ए वाला, ठीक है। अब देखिए 85 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आई स्पीसीज दैट इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द 38th हमारा था 17 Cl-18। अभी क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पूछ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, जो नीचे दिया होता है जितना एटॉमिक नंबर उसी को हम लोग नंबर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसके साथ साथ चार्ज को भी देखना है। देखिए 17 है, माइनस 1 मिला, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक। उसी तरीके सेकेंड वाले में देखिए 16 थे, 2 इसको मिले, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अब नीचे देखिए 18 थे प्लस 2 निकल गए इलेक्ट्रॉन, माइनस कर दो इसको, ठीक है, तो बचे 16। आगे देखिए 19 है प्लस 1 निकाल दो, कितना बचा, 18। तो आप लोगों का आंसर दिख गया होगा कौन सा है, तो सी वाला इसका हो जाएगा, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलिए इतने मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इसके बाद जो है जल्दी ही आप लोगों को बाकी क्वेश्चन भी जल्दी से मिल जाएंगे। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर करें। आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।